बियर्डो अभी एक न्यू एड लॉन्च करना चाहती है और उस एड में ऋतिक रोशन रहने वाले हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, बियर्डो ने आज उस एड का टीजर लॉन्च कर दिया है, जहां पर उस टीजर को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ये एड टोटली गूज़बम्प देने वाला है। मतलब कि इस टीजर के बैकग्राउंड में एक सॉन्ग सुन सकते हैं और उस सॉन्ग का टाइटल है आया आया देख कौन आया। मतलब कि सॉन्ग का जो टाइटल है वो भी टोटली गूज़बम्प देने वाला है। सॉन्ग के टाइटल से ही मैं इस एड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। हालांकि दोस्तों, इस एड के अंदर जो सॉन्ग बजने वाला है वो भी टोटली गूज़बम्प देने वाला है। इसके अलावा ये एड है वो भी टोटली गूज़बम्प देने वाला है। और इस एड के अंदर खास बात ये है कि इस एड में ऋतिक रोशन रहने वाले हैं, जिसके चलते इस एड को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बताना चाहूँगा दोस्तों, बियर्डो के लिए ऋतिक रोशन ने लास्ट टाइम जून के महीने में एक ऐड में काम किया था और वो ऐड उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उस वाले ऐड में ऋतिक रोशन का लुक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और ऋतिक रोशन का वो वाला लुक कहीं ना कहीं बेदासा मिलता जुलता था। यही वजह रही कि ऋतिक रोशन के उस लुक को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। हालांकि दोस्तों, शायद ये वाला लुक ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म के लुक से मिलता जुलता हो, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से लुक आता है, फिर फाइटर फिल्म का लुक कैसा आएगा वो तो हमें टाइम आने पर पता चलेगा। फिलहाल में तो हम लोग इस एड का इंतजार करते हैं, जो कि टोटली गूज़बम्प एड है। बता दूं दोस्तों, इस एड के बैकग्राउंड में जो सॉन्ग है वो ज़्यादा एक्साइटेड बनाता है इस एड के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस एड को कब रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, बियर्डो ने लिखा है अनलिसिंग सून, यानी कि किसी भी दिन ये एड यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस एड को यूट्यूब के ऑफिशियल बियर्डो चैनल पर रिलीज किया जाएगा।